ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान लोगों के साथ ठगी के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। रायसेन में विगत एक सप्ताह में ऑनलाइन शॉपिंग से ठगी का दूसरा मामला सामने आया है, जहां पर जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने अमेजोन कंपनी से ब्लूटूथ मंगाया और जब पैकिंग खोलकर देखा तो उसमें से निकली कांच की बोतल। कोरोना काल में ऑनलाइन शॉपिंग ने जहाँ लोगों को घर बैठकर सामान पहुँचाने की सहूलियत दी है, तो वहीं पर अब उनके साइड इफेक्ट भी सामने आने लगे हैं। रायसेन जिले में विगत एक सप्ताह में दो लोगों के साथ ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान ठगी का मामला सामने आया है, जहां पर अभी 5 दिन पहले रायसेन में दीवानगंज के युवक ने फ्लिपकार्ट कंपनी से मोबाइल फ़ोन मंगवाया था तो उसने खोल के देखा, जहां पर बाद में पत्थर निकला। तो वहीं अब जिला शिक्षा अधिकारी रायसेन आनंद शर्मा ने अमेजोन कंपनी से ब्लूटूथ मंगाया तो पार्सल खोलकर देखने पर उसमें छोटी कांच की बोतल निकली थी, जहां पर अब सवाल यह है कि अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां ग्राहकों के साथ ऐसे धोखाधड़ी करेगी तो ग्राहक क्या करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा अब अमेजोन कंपनी की शिकायत थाने में करने की बात कह रहे हैं। सर, मैं और मेरा बेटा लंबे समय से अमेजन से ऑनलाइन सामान बुलवाते रहे हैं। इसके पूर्व ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन इस बार एक ब्लूटूथ मैंने बुलवाया था। मैं भी एक ब्लूटूथ यूज़ कर रहा था, ठीक वैसा ही मैंने बुलवाया 1166 रुपये राशि का। लेकिन जब उसको खोला, चूँकि मेरी आदत है कि मैं जब भी कोई पार्सल खोलता हूँ तो उसकी वीडियो क्लिप ज़रूर बनाता हूँ, और ये अच्छा रहा कि मेरे एक मित्र भी मेरे समीप खड़े थे और मैंने वीडियो बनाया तो देखा उसमें एक बर्नी थी, बहुत छोटी बर्नी जिसकी कॉस्ट 5-7 रुपये के आसपास होगी। वो निकला जी, अपने आप को आप ठगा से महसूस कर रहे हैं? हाँ, नो डाउट ये एक ठगी है सीधी सीधी, कि आप पैसा ले रहे हैं, हमारा भरोसा है ऑनलाइन पे, और जब हम इस तरह का अगर कोई प्रोडक्शन बुलवाते हैं और बदले में अगर हमें ये सब प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा नेटवर्क है जो इस तरह के काम कर रहा है, जिससे धोखाधड़ी तो हो रही है। क्या नाम है? राजेश कुमार यादव। राजेश यादव जिला क्रीड़ा अधिकारी हैं। उनसे उनका जब ब्लूटूथ देखा तो मुझे लगा कि मुझे भी उसका उपयोग करना चाहिए, तो मैंने उनसे आग्रह किया कि आप ऑनलाइन इसको ऑर्डर कर दें, तो उन्होंने अमेजन के माध्यम से इसको ऑर्डर किया और जब आज उसको खोला गया डिब्बे को, तो इसमें एक बॉटल निकली है जिसकी रिपोर्ट हमने की है, कंपनी को भी की है। तो ब्लूटूथ की जगह केवल कांच की बॉटल निकली? कांच की बॉटल है, आप राजेश जी से संपर्क कर ले, उन्हीं के पास है, वो दिखला देंगे आपको किस तरह की बॉटल है। सर, एक ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आ रहा है, कोई मंगा पूछ रहा है, महंगी चीजें निकल रही हैं, सस्ती चीजें, इस संबंध में अगर आपको जानकारी हो सर, कैसे कार्रवाई होगी? ये अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी पॉपुलर कंपनियों की तरफ से कोई व्यक्ति जो कि बीच में उनका इस्तेमाल करके और आम नागरिकों के साथ चीटिंग करता है, इस तरह की कुछ शिकायतें हमारे संज्ञान में आई है। और भी इस तरह के जो ठग हैं वो आम नागरिकों के लैक ऑफ नॉलेज का फ़ायदा उठा के और इस तरह की घटनाएं करते हैं, तो जब भी इस तरह की शिकायत हमारे संज्ञान में आती है तो हम लोग 420 का प्रकरण दर्ज करके और दोषी आरोपियों को दस्तयाब करके उनकी गिरफ्तारी करते हैं। फिलहाल जो जिला शिक्षा अधिकारी का प्रकरण हमारे संज्ञान में आया है, चूँकि उनकी तरफ से अभी कोई लिखित कंप्लेंट नहीं हुई है, जैसे ही शिकायत प्राप्त होगी तो हम तत्काल प्रकरण दर्ज करके और दोषी आरोपियों को शीघ्र दस्तयाब करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट।